जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और आपको उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता भी था। आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। हैदर की पसंद अब बदल चुकी है और साथ साथ उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी। हैदर की पसंद जरूर बदल सकती है पर दिल नहीं। रख दूँ। कुछ काम बीवियों के करने के होते हैं। फर्ज तो नहीं है। लेकिन रिवाज तो है। पुराना हो गया। कुछ रिवाज पुराने हो के भी अच्छे लगते हैं। अरे क्या हाल है? चॉकलेट नहीं लोगी अंकल से? अंकल हाँ? चॉकलेट याद था मुझे, सॉरी। हाँ ये रही आपकी चॉकलेट्स। थैंक यू बोलो जल्दी से। थैंक यू अंकल। ऐसे नहीं, लो भाई एक और गर्वीदा हो गया है तुम्हारी स्वीटनेस का। अपनी बीवी के लिए चॉकलेट नहीं लाए? ये भी तो बच्ची है ना। ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है? मैंने तायनी ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतना वाज़े डिफरेंस है दोनों की एज में। है तो मगर जहन मिलते हैं। हाँ बे, जहन तो मिलते हैं, दिल भी मिलते हैं और अब साथ रहने से आदतें भी मिलने लगेंगी। जानते हो आज दिलनशीन ने अपने हाथों से तुम्हारा पसंदीदा खाना पकाया है। Really? मुझे पता नहीं था तुम्हारे अंदर एक मशर की लड़की छुपी बैठी। Okay, I think अब ये फैमिली टाइम है, हमें चलना चाहिए। Let's go बेटा, आ जाओ, come on। मैमल, तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा। उसे जाने तो, कमरे में काम होगा कुछ। बल्कि ऐसा करो तुम भी चेंज करके आओ, थके हुए आए हो, जाओ शाबाश। जी मैम।
में है। जाओ बेटा, तुम भी साथ जाओ, कमरे में जाओ।